अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। ऊपर में साइन थीटा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस वन हो गया, यहाँ फिर प्लस है, ये हो गया कॉस थीटा बाई कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, यहाँ प्लस हो गया कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस वन हो गया। अब नीचे वाले में यहाँ कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे, उसी तरह यहाँ पे साइन थीटा 1 का एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे जो है साइन थीटा इसको हम ऐसे उतारेंगे, यहाँ साइन थीटा ऐसे उतर गया, और इसमें अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम निकल गया नीचे में, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन थीटा माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है तो यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस है कॉस थीटा ऊपर में लिखेंगे, लिखा हुआ यहाँ जो, फिर नीचे साइन थीटा एलसीएम हो गया, फिर साइन थीटा मिल रहा है तो यहाँ 1 हो गया, प्लस यहाँ कॉस थीटा हो गया, माइनस यहाँ साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा यहाँ पे लिख दिए। अब ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ प्लस है, अब फिर इसी तरह इस साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कॉमन निकालिए, तो यहाँ बच गया 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से आ गया। ये बाहर में ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, अब भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस है और ये वाला टर्म यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस और माइनस में काट दिए, यहाँ पे और भी कॉस थीटा प्लस माइनस में है काट दिए, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक एक दो हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और नीचे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, यहाँ प्लस है, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर माइनस 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए तो साइन थीटा, फिर उसी तरह साइन थीटा से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस हो गया, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए तो साइन थीटा, फिर साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस डाले साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर कॉस थीटा से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखेंगे इसमें भी कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचा ऊपर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको लिख दिए, और
नीचे वन यहाँ बचा है, वन लिखे, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, यानी कि दो बार है तो प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बच गया फिर से टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टू टू कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कट के बचा वन। तो यही हमको प्रूफ करना था, आर एच एस हो गया इक्वल टू का ये।